good. Now para number 16, here you find that the population of India is estimated to be 1.25 billion today, more than the entire population of Africa and South America. ये तो near about कई साल का पहले, आज का population 1.138 crores. Put together, no one familiar with the condition in India would doubt that the hope of the people would die in their hungry hearts may unless population control is given topmost priority. अगर ये population control नहीं करा जाए तो ये झोपड़ी में ही लोग नहीं खा के मर जाएंगे. Hungry hearts mean झोपड़ी, hearts mean man. For the first time in human history, we see a transcending concern that survival not just of the people but of the planet. अभी 21st century में first human समझ गया कि हम लोग को रहने से रह नहीं सकता, ये धरती को भी रखना पड़ेगा तब हम लोग रह सकते हैं. We have begun to take a holistic view of the very basis of our existence. The environment problem does not necessarily signal our darkness. It is our passport for future. The emerging new world vision has usurped in the era of responsibility. It is a holistic view, an ecological view, seeing the world as an integrated whole rather than a dissociated collection of parts. अभी जैसे एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ बेपरवाह एक व्यू पॉइंट रखते थे, जैसे इंडिया कुछ भी करे, पाकिस्तान का कुछ नहीं, पाकिस्तान कुछ भी करे, बट दैट इज़ नॉट. हम लोग ये एक ही प्लानट में रहते हैं. अगर हम लोग यहाँ पर पोल्यूशन हाई लेवल में कर देते हैं, हम लोग का यहाँ रहने के लायक कंडीशन नहीं रहा तो पाकिस्तान में भी नहीं रहेंगे. सो ये एक होल, एज ए होल हिसाब से हम लोग को जो होलिस्टिक द व्यू फ्रॉम द हार्ट, ये स्टेप लेके पूरा प्लानट को सेव करना है. ये यहाँ पैरा नंबर 16 और 17, यहाँ पर हम लोग जो थर्ड थीम बताया था कि प्लानट को सेव कैसे करें, ये जो एलिंग प्लानट है उसको क्योरमेंट क्या है, ये पैरा नंबर 16 और 17 में बताया गया है. ना पैरा नंबर 17 में उसको और एलाबोरेट करके बताया कि हाउ टू सेव द प्लानट, व्हाट विल बी द स्टेप्स ऑफ ह्यूमन बींग. इंडस्ट्री हैज़ ए मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन द न्यू एरा ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी. और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा आते हैं इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन पोल्यूशन के साथ इंटर रिलेटेड है. व्हाट ए ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी एफेक्टेड इफ मोर बिजनेसमैन शेयर द व्यू ऑफ द चेयरमैन डी पॉन्ट एडगर, मिस्टर एडगर एंड एस वुलर्ड, हु 5 years ago declared himself to be the company चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर. ये सब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है जो कंपनी का हेड होता है, लेकिन उन लोग एनवायरमेंट का प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्टेप्स लिया उस लिए खुद का डेजिग्नेशन का फुल फॉर्म भी चेंज कर दिया. क्या रखा? चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर. डूपॉन्ट, मिस्टर एडगर, ये सब जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था उन लोग खुद को चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर हिसाब से डिक्लेयर किया. ही सेड आवर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स दैट वी एक्सेल इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस. तो दिस इज व्हाट द स्टेप्स शुड बी टेकन, कि एनवायरमेंट को डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन सब जरूरी है बट प्रोटेक्शन भी जरूरी है. ऑफ ऑल द स्टेटमेंट मेड बाई मार्गरेट थैचर ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ हर प्राइम मिनिस्टरशिप, वो मार्गरेट थैचर है ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम का प्राइम मिनिस्टर थी, और वो एनवायरनमेंट के बारे में जो स्टेटमेंट दिए थे उसको यहाँ पर दिया. नाउ हैज पास्ड टू डिसिसिवली इन टू द करेंट कॉइन ऑफ इंग्लिश यूसेज एज आर फेलिशियस वर्ड्स. वो क्या स्टेटमेंट दिया? फेलिशियस वर्ड्स. नो जनरेशन हैज फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, ऑल वी हैव इज ए लाइफ टीनासी. टीनासी किसको बोलते हैं? किराएदार. हम लोग ये मत सोचे कि हम लोग को फ्री में मिला ये धरती, कुछ भी कर दो, ये सोचना है कि ये किराए में लिए हैं सही सलामत यूज करके, विथ ए फुल रिपेयरिंग लिस्ट, रिपेयरिंग करके ये धरती छोड़ के जाना है नेक्स्ट जेनरेशन के लिए. इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स. ये हम लोग फोर फादर्स या पूर्वज से ये उत्तराधिकार हिसाब से नहीं मिला है. वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रेन. अगर ये सोच के यूज करें कि हम लोग उधार में लिए हैं हम लोग का बच्चे के पास से, तो हम लोग सही सलामत यूज करो. सो पैरा नंबर 16 और 17 में ये बताया गया कि इसका व्यू पॉइंट्स क्या होंगे एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए. सो थैंक यू, दिस इज व्हाट द 3 पार्ट्स में हम लोग पूरा चैप्टर्स को समझें. एनी डाउट्स यू कैन आस्क पर्सनली टू मी.